हमें 3 तारीख 3 अगस्त बिरंजी नारायण साहू को रिमांडर आनी पुलिस रिमांडर तंकर कौन सोर्सेस ऑफ इनकम कौन अच्छी और इन्वेस्टमेंट कौटी कर तार करप्ट प्रैक्टिसेस कौन ये विषय जानवापी नहीं आसिले और डिटेल इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन पर और जाना पड़ी तर बहुत प्रॉपर्टी भी किणुचं तर प्रॉपर्टीज रे बहुत अंडर वैल्यू है से विषय आम इन्वेस्टिगेशन करूँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस रो हमें वेरीफाई करिवे और कितेटा अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी रे सेलर को डाकी तांकु एग्जामिन करिवो और से ऑफिशियल ड्यूटी सरकारी काम चढ़ी इंश्योरेंस एजेंट काम करथिला ता वाइफ ना रे थिला किंतु से इंश्योरेंस पॉलिसी नेबार बहुत एक्टिव थिला एबे परंतु आमर एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस रे 900 पाके पाके लोकंकर सब्सक्राइब करुछोंती लास्ट 10 वर्ष रे सेठी बहुत इन्स्योरेन्स पॉलिसी रो प्रीमियम रो कमीशन बहुत पाई सेटा भी हमें वेरीफाई करछु तार आईडी रिटर्न्स रा और वाइफ रा आईडी रिटर्न्स रे हमें वेरीफाई करछु और से 900 जनकर और कैंडिडेट भी 21 जन करछोंती तंकर कोन पाई इन्स्योरेन्स कले केबे करथिले एग्जाम नोटिफिकेशन पूरा करथिले केबे करथिले सेटा सब हमें वेरीफाई करछु और कोनो फाउल प्ले कले कि सेटा भी हमें वेरीफाई करबो और ता छाड़ी आमर 30 तारीख जोटा हाउसर चाहता जोटा बिरंज नारायण घर मेन रेसीडेल बिल्डिंग रे सेठी बहुत गुड़ा एडमिट कार्ड स्टूडेंट रे पाई टोटल 114 एडमिट कार्ड पाई और सब आम डिटेल वेरिफिकेशन करूँ और सेलेक्ट लिस्ट कौन सी एग्जामिनेशन 107 कैंडिडेट कौन सी किसी बार नहीं सेलेक्ट लिस्ट बाकी 7 जन आम डिटेल स्क्रूटनी करूँ तंकर कोनो किजि फॉल्ट प्ले अछि कि हमें वेरीफाई करूछु और बाकी जोटा मनी लॉन्ड्रिंग सेटा हमें वेरीफाई करूछु अब अपन डिटेल सेटा साउथ सच 107 पर्सन रो हमें 114 एडमिट कार्ड पाइले ताटो 107 रो कार कोनसी एग्जाम रो परीक्षा रे सेलेक्ट हेइ नथि हला और बाकी 7 जन हमें डिटेल वेरीफिकेशन करूछु से माने को परीक्षा देले कोन केमिति हेतिला तार सब सब डिटेल भी हमें वेरीफाई करूँ सेटा पर जाना हो और ताड़ी मनी लॉन्ड्रिंग आस्पेक्ट भी हमें वेरीफाई करूँ और कितेटा तार इन्वेस्टमेंट होती कौटी कर रियल एस्टेट कौन इन्वेस्टमेंट होती और क्या सांगर डीलिंग दिला सेटा भी हमें सब वेरीफाई करूँ सर 4 कोटी को बाद दे अधिक बाहरी पारे कि स्त्री आउ शा स्कानर को आसी पारती से विजिलेंस डाकी पारती इंट्रोगेशन कर पारती आउ जो इंट्रोगेशन भितर रिमांड अवधि भितर किसी नुआ लोक ना कहला कि से एबे भी आम सब आंगल वेरीफाई करूँ से 7 जन कैंडिडेट भी आम वेरीफाई करूँ यदि यदि फाउल प्ले बाहर तो और कार की इन्वॉल्वमेंट जो हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करियो से विषय रे हमें तदंत करूछु वाइफ हाउस सर 900 पॉलिसी है छे आपन को सेतर किछ कैंडिडेट माने भी पॉलिसी करछन केते कैंडिडेट पॉलिसी करछन 21 जन माने पाइछन थी एग्जाम रे सिलेक्ट भी सेटा सेटा 21 जन कैंडिडेट पॉलिसी करछन थी तंका विषय रे हमें डिटेल्स स्क्रूटनी करूछु और वाइफ जोटा मनी लॉन्ड्रिंग जोटा कहतिले से एंगल रे हमें वेरीफाई करिवे और तंकर इंश्योरेंस पॉलिसी भी कितने दिला प्रीमियम रे कितने कमीशन पाई से लास्ट 10 ईयर 10 ईयर्स रे सेटा भी हमें वेरीफाई कर लोक गवर्नमेंट रहे कि ये प्राइवेट काम कर पारिबो कि इज दिस इलीगल सेटा ता वाइफ ना रे करछोंदी तदा भी सेटा हमें वेरीफाई करछु कांटेक्ट रूल रे कोनो वायलेशन हिच केटा हमें सरकारी कर्मचारी कर इन्वॉल्वमेंट जो एडमिट कार्ड सर मिलले 7 जन कर जो वेरीफाई करछु नहीं नहीं ठीक अछि कोनो सर गोटे लास्ट गोटे गोटे सरकारी कर्मचारी कर इन्वॉल्वमेंट या भीतर आछु कि या सहित केबे से विषय हमें तदन चलु छी हला डिटेल और किछि बारला आपन को इन्फॉर्म सर आपन कहले 3 कोटी 51 लाख होछ तार डिस्प्रोपोर्शनल असेट 268% होती तार डीए एक्सेस किंतु कथा कौठू आसला ये जो पैसाटा पिला पिला आड़ आसी कि कौ सोर्स आसी गोटे इन्सुरांस कर 900 इन्सुरांस करमिशन नाक कौन 3.5 कोटी टाँग करदेव नहीं इन्वेस्टिगेशन करा तार वाइफ आईटी रिटर्न्स आनिबे सर गोटे वाइफ आईटी रिटर्न्स आनिबे इन्वेस्टिगेशन पर जाना पड़ो कित प्रीमियम सर पीएस इनकम सोर्स टा कौन एवं केवल पिला पैसा पाई 268% डीए हो जाए ठीक
ସେଇଟା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ହେଲା। ପିଏଫ୍ ର ଇନକମ୍ ସାର୍ କ'ଣ? ଇନକମ୍ କ'ଣ? ଇନକମ୍ ତାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଇୟର୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ସେ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଲିଗାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସାକ୍ସନ୍ ସେଇଟା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ସାର୍ ତମର ସେଇଟା କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା? ସାର୍ କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା ମେମ୍ବର ଯେଉଁ 2010-11 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2010-11 ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କରିବେ କି ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେ ନାଇଁ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ସେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା ଆଉ ଫର୍ଦର ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁ। ସାର୍ ଯେଉଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ହେଇଥିଲା ସେଇ ପଇସାରେ ଏମିତି ହେଇଛି? ସେଇଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ। ସେ ବି ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଲିଗାଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବି କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ସବୁ ତ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ, କୌଣସି କିଛି ଲୋଚାଇ ପାରିବେନି, ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେରା ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ଏବେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଚାଲୁଛି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଜାଣିବେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ।